अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं अतीक अहमद सिद्दीकी, बेले नगर कलमना नागपुर। इस खुशी के मौके पे एक हमारे नागपुर शहर सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में एक अजीमुस्सान जलसा रखा गया है, जिससे इससे हमारे नागपुर शहर को काफ़ी दीन की जानकारी और काफ़ी इस्लाम के बारे में सीखने को एक बहुत शानदार मौका मिला है। जो इस मौके में खिदमत गुजार हमारे कलीम हाफिज़ साहब, इन्होंने बहुत चढ़ बढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और मेहनत किया। ये हमारे सादाब साहब, ताज जायका होटल के मालिक, इनका भी उसमें खूब तहे दिल से मेहनत है और हिस्सा है। और इस जलसे में हमारी यही हर मुस्लिम भाई से गुजारिश है कि नागपुर तो छोड़िए, आप ऑल महाराष्ट्र से लोग इस जलसे में पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। और इस जलसे में हमारी माँ बहनें हैं, भाई बहन हैं, वालिद वालदाएँ हैं, हर एक को आने का मौका दिया गया है। इस जलसे की खासियत यह है कि 20/1/2023 को लेडीज़ इस्तीमा रखा गया है, जिसमें लेडीज़ों को नागपुर शहर से लाने ले जाने की सुविधाएं भी रखी गई है। और उसके ऊपर इस जलसे में जो भी लोगों ने मेहनत किया, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे, वहाँ खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। और इस मौके का फ़ायदा उठाना हमारे माँ बहनों का बहुत ज़रूरी है। दीन सीखें, खाना खाएं, सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में ज़्यारत करें। हमारी बेले नगर में जितने भी मुस्लिम भाई लोग रह रहे हैं, कुछ उनकी तरफ से, हमारी पर्सनल की तरफ से बेले नगर के अंदर में ख्वातीनों के लिए बस का इंतज़ाम किया गया है। 20 तारीख का जो लेडीज़ इस्तीमा रखा गया है, उसमें बाद नमाज जुमा के बाद करीब 2 बजे होटल जायका ताज के पास में बस आगे खड़ी रहेगी कि 2 बजे जुमा की नमाज के बाद में बस के पास आ जाएं, इनको ताज़ाबाद शरीफ पहुंचा दिया जाएगा और बा इस्तीमा ख़त्म होने के बाद वापस लाके बेले नगर में पहुंचा दिया जाएगा। बस ये होटल ताज जायका बेले नगर। ओके।